चुनाव से पहले पालघर में बीजेपी नेता सुनव तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेरा। पैसे बांटने के आरोपों पर विनोद तावड़े की सफाई, कहा अगर पैसे बांटे तो चुनाव आयोग जांच करे, पैसे बांटने का आरोप गलत है। बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा, राउत ने पोस्ट कर लिखा भाजपा का खेल खल्ला। कैश कांड पर संजय राउत ने कहा तावड़े पर गृह विभाग ने नजर रखी, कुछ लोग आज बीजेपी में खुश होंगे, तावड़े को पकड़वाने के लिए साजिश हुई जिससे भविष्य में तावड़े बड़े नेता ना बने। कांग्रेस ने पोस्ट कहा महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं, इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक शामिल, चुनाव आयोग मामले का संज्ञान ले। चुनाव आयोग की टीम विवांता होटल में मौजूद, होटल से मिले पैसों की गिनती जारी, तावड़े और राजवर नाइक पर आचार संहिता भंग करने पर FIR दर्ज। बसई विरार पुलिस कमिश्नर ने FIR की पुष्टि की, पैसे बांटने के आरोपों के बाद FIR दर्ज हुई, नाला सुपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी, कहा मुस्लिम महिलाओं को नकाब हटाकर न की जाए चेकिंग। संसद सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 24 नवंबर को होगी ऑल पार्टी मीट, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर बुलाई गई ये अहम बैठक। ब्राजील दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, इटली, यूके और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। अपने संबोधन में पीएम ने कहा दुनिया में जंग की वजह से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए चुनौतियां खड़ी हो रही। जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यू ने एक द्विपक्षीय वार्ता की, LAC पर तनाव घटाने को लेकर हुई बातचीत। भारत और चीन में अगले साल शुरू हो सकती है सीधी उड़ान, दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रियों के बीच सहमति बन गई है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने मेट्रो कोचों का किया निरीक्षण, मुकुंदपुर डिपो में नई मेट्रो को परखा कर कहा यह मुकुंदपुर डिपो की पहली ट्रेन है, इसका इस्तेमाल मेजेंटा लाइन में किया जाएगा। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फिर मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने कथित तौर पर पाकिस्तान से फोन कर दिए थे। लॉरेंस का भाई अनमोल कैलिफोर्निया पुलिस हिरासत में, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सलमान खान के घर पर गोलीबारी का आरोपी है अनमोल। गुजरात दौरे पर अमित शाह, अहमदाबाद में कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन और महत्वपूर्ण समारोह में शिरकत। संविधान दिवस को लेकर सीएम योगी की बैठक, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती आज, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह श्रद्धांजलि। प्रदूषण का असर, आज पूरे NCR के स्कूल ऑनलाइन किए गए एडवाइजरी जारी, क्रैप 4 लगने के बाद भी दिल्ली के हालात नहीं बदले। दिल्ली NCR में AQI 500 के पार खतरनाक स्तर पर पहुंची, हवा विजिबिलिटी घटी, एयरपोर्ट पर फ्लाइट की आवाजाही प्रभावित। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की केंद्र सरकार से मांग, दिल्ली में करवाई जाए कृत्रिम बारिश, प्रदूषण से मिलेगी राहत। भारी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्री इलाके में लगी आग, आग बुझाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।